नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आध्यात्मिक प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तरी में एक मित्र ने आज मुझे पूछा कि गुरुजी मुझे ये जो श्लोक है उसका गूढ़ार्थ समझाइए। तो मैंने बोला भाई गूढ़ार्थ क्या होता है। उसने बताया कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं। उन्होंने बताया शब्द का अर्थ होता है तो शब्दार्थ जो श्लोक है, फिर उसका कोई भाव निकलता है तो भावार्थ, और फिर जो लोग नहीं जानते हैं और गुरु लोग जानते हैं वो गूढ़ार्थ होता है। तो चलो उनको जो मैंने बताया आपको भी बताता हूँ। तो श्लोक मैं पहले बोलता हूँ, करागरे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये जो श्लोक है उसका भी हाथ से देखना पड़ेगा। तो पहले करागरे वसते लक्ष्मी, अग्रभाग में लक्ष्मी माता का वास है। कर मूले सरस्वती, मूल में इधर सरस्वती माता जी का वास है, रहते हैं माता जी। कर मध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, और उनका सुबह में दर्शन करना चाहिए। ये हो गया उसका शब्द का अर्थ, वाच्यार्थ भी बोलते हैं। अभी उसका भाव निकालते हैं कि क्या भाव है। तो करागरे वसते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी माता को याद करेंगे तो उनका उत्पत्ति स्थान है वो समुद्र मंथन है, और समुद्र मंथन के वक्त लक्ष्मी माता प्रकट हुई तो जल तत्व। फिर अभी आप देखते हैं कर मूले सरस्वती, सरस्वती को याद करेंगे तो ब्रह्मा को याद करेंगे। ब्रह्मा जी जो है उसको उनका काम है सृजन का, वो सर्जन करते हैं, प्रजापिता है, वो सबके पिता है ऐसे समझ लो। तो ये जो बात है तो अभी सृजन की बात है। कर मध्ये तो गोविंद, अभी गोविंद का है वो पालन पोषण करता है। तो अभी ये जो बात है भावार्थ हो गया। आप देखिए पहले अगस्त्य मुनि ने दाब योग करके एक पूरा ग्रंथ लिखा था, मगर कालक्रम से वो ग्रंथ नष्ट हो गया। तो अभी जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से मैं उसका भाव का अर्थ बताता हूं। अभी देखिए करागरे वसते लक्ष्मी, जो एक्यूप्रेशर है उसको रिफ्लेक्सोलॉजी भी बोलते हैं। आप गूगल करके हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी देख लेना तो आपको बराबर उसे मालूम पड़ जाएगा। अभी ये जो चीज है तो इधर साइनस का पॉइंट है, साइनस का मतलब वो जल तत्व से कनेक्टेड है, इसलिए करागरे वसते लक्ष्मी। अभी दूसरी जो बात आ जाती है कर मूले सरस्वती, सरस्वती का जो है वो ब्रह्मा की पुत्री है, और ब्रह्मा जो है वो सर्जन का देवता है। तो आप में जो सर्जन जो करना है, सृजन करना है, तो इधर एक्यूप्रेशर में देखेंगे तो टेस्टिस ओवरिस पेनिस, ये जो है जैसे मैं अभी बताता हूं कि गर्भाशय का, ये सब जो पॉइंट इधर आया है एक्यूप्रेशर ने। अभी जब आप बीच में आप देखेंगे तो पाचन तंत्र के जितने भी अवयव है, स्टमक, लीवर, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, ये जो भी है वो बीच में है। तो दूसरा श्लोक भी मैं बताता हूँ, भगवद गीता में है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रितम प्राणापानौ समायुक्तम पचाम्यन्यम चतुर्विदम। ये जो प्रभु बोलता है कि मैं पाचन करता हूं, तो पाचन का जो है मध्य में है, ये बात है वो भाव का अर्थ हो गया। अभी गूढ़ार्थ क्या है, तो अभी आप यदि स्वस्थता चाहते हैं तो उसका प्रयोगात्मक करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं ये जो है तो समुद्र मंथन है। तो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट बताता हूं, जैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंट देखा तो आपको मालूम पड़ गया। तो ये जो मथनी है, ये मथनी जो है तो उससे आपको ये प्रयोग करना है। तो 10 मिनट का ये प्रयोग है, मैं आपसे बताता हूं। तो आपको सभी रोगों से मुक्त कर देता है, सर्वान रोगान, ये सभी रोग को मुक्त करता है। आपका हाथ में आप देख लेंगे तो सभी पॉइंट उसमें है, तो सभी अवयव को मालिश हो जाता है और आप स्वस्थता की ओर जाते हैं। तो क्या करना है, तो आपको ये जो मैं कर रहा हूं ऐसा आपको करना है, ऐसे आपको आगे करना है, मगर आपको दिखे इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूं, मगर आपके सामने जैसे दही मंथन करते हैं, दही मंथन करना है। तो आपको ये मंथन करके ऐसा आपको करना है, पूरा ऐसे करना है। जैसे आप कर रहे तो एक पहली बात हो गई, फिर दूसरी बात है आपको
अहम निरामय है, मैं निरामय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा सोचना है। अभी हम शरीर का 5 विभाग करते हैं, देखो सिर करते हैं, फिर छाती, फिर पेट, और पेट का नीचे का भाग है और हाथ पैर है। तो अभी आपको ऐसे शुरू करना है कि मेरी देखने की और सुनने की शक्ति दिन प्रतिदिन बेहतर और बेहतर होती जा रही है। मेरे मस्तिष्क के जो भी केंद्र है, तर्क, गणित, कर्मठता, कार्यकुशलता, चालाकी, राजनीति, कूटनीति, संसार, गद्य, विज्ञान, हिसाब किताब, उपयोगिता और बाजार, अभी राइट हेमिस्फीयर में काव्य, अनुभूति, भाव, कला, प्रज्ञा, आनंद, मस्ती, वो सभी केंद्र एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर हृदय की बात आती है तो मेरा हृदय और मेरा जो लंग्स है, माई हार्ट एंड लंग्स आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग। अभी पाचन शक्ति की बात आती है तो आपके जो भी अव है, तो बोलना मैं जो भी खाता हूँ मुझे बराबर हजम हो जाता है, माई डाइजेशन पावर इज स्ट्रांग, तो पेंक्रियास भी बराबर काम करने लगेगी, आपका लीवर एंड स्टमक का बैलेंस हो जाएगा, आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। फिर पेट के नीचे का जो अवयव है, तो मेरे प्रजनन तंत्र के अवयव स्वस्थ और स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा करके भी सोच सकते हैं। फिर हाथ और पैर, तो मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर स्वस्थ और स्वस्थ, मजबूत और मजबूत, ताकतवर, ऐसे सोचना है। और फिर ऐसे सोचना है, मैं अहम निरामय, अहम निरामय, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, ऐसा करना है। ऐसा मीन्स ये सेकंड स्टेप हो गया। देखो पहली एक क्रिया है, फिर दूसरा बोलना है, कैसे बोलना है, गहरा श्वास लेना है, अहम निरामय, अहम निरामय, अहम निरामय, पूरा बोलना है। जब श्वास की जरूरत पड़े तो नाक से श्वास लेना है, पूरा बोलना है। और तीसरी जो क्रिया है वो गुप्त है, वो गुड़ है, गुरुगम है, तो भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, प्रभु की मर्जी से बता रहा हूं। आंखें बंद करके, आंखें बंद करना है और आपसे 10 फुट दूर और 10 फुट ऊंचा आपकी गुरु की मूर्ति लाइए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो आपके गुरु है, आपके इष्ट है, जैसे शंकर भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, आपको माता रानी, जो भी आपको इष्ट है उसका आपको स्मरण करके ये काम करना है। अभी देखिए मैं कर रहा हूं, जैसे आंखें बंद करना है और सोचना है, अहम निरामय, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, फिर वो जो भगवान को भी देखना है, जैसे आप करेंगे आपके जीवन में शुभ कल्याण और मंगल होगा। मेरी चैनल जो है उसमें आप जुड़े हैं तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर लाइक कीजिए और अपने सभी लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा भारत में सभी लोग सुबह उठे हाथ तो देखते हैं मगर क्रिया नहीं करते हैं, तो सब लोग करने लगे। और ये जो है तो मथनी सब जरूरी नहीं है, आप कोई भी जो बात है, यदि आपने सुनो एक लकड़ी भी ले लिया तो भी चलेगा, मगर मैं जो श्लोक था इसके लिए आपको बता रहा हूं कि दधि मंथन है, ये मंथन है, करागरे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्ये तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आप सभी रोग में से मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो जाएंगे, ऐसा प्रभु ने बोला है, मैं नहीं बोलता हूं, उसने बोला है कि नश्यन्ति सकल रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। चलो आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, मे गॉड ब्लेस यू, आनंद में रहो, मौज में रहो, कल्याण मस्तो।